हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? वेलकम टू द अनदर वीडियो, इट्स अ जुड़ो मैं ब्लॉग। अगर इस चैनल पर नहीं तो क्या करो यार दोस्तों, फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, काफी हटके होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं जाने वाला हूँ मिलने साहिल भाई से, विक्रांत भाई से एंड महिर भाई से। तो बहुत ही मैंने मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा उनके रिलेटिव। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। तो और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किसके साथ वीडियो बनाया जाए। तो चलो इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लो Yodoman37। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का वीडियो में ना बहुत अलग होने वाले है। तो चलो मैं पहले मिलाता हूँ साहिल भाई, विक्रांत भाई, मीर भाई। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? भाई आप लोग कैसे, पहले ये बताओ। सब बहुत अच्छा, आप बताइए। बस मैं भी ठीक हूँ। एंड भाई आप लोग इतने फनी फनी कंटेंट कैसे बना लेते हो, और मोटिवेशन भी बनाते हो लेकिन फनी ज्यादा रहता है, तो कैसे बना लेते हो? थिंकिंग कहाँ से लेके आते हो? दिमाग से। साथ बैठते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ निकलता रहता है, जो नॉर्मली टॉक होती है उसी में से हमारा कंटेंट आ जाता है। मेन जो है, मैं आपको बताऊँ, ये आप लोगों का प्यार है जो हम लोग इतनी सारी वीडियो सब बनाने लगे हैं। तो ऐसी कीप लविंग, सबसे बड़ी बात है। एंड भाई आपके डे बाय डे फॉलोवर इंक्रीज हो रहे, उसके पीछे का राज क्या है? मेहनत वो तो बहुत करते भाई। सही में आपकी वीडियोस देखता हूँ ना मैं, अच्छा यूट्यूब पे चाहे टिकटॉक पे, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वीडियो। मतलब इतनी अच्छी अच्छी शायरी बोलते हो ना यार, ऐसा लगता है कि अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, आप लोग मतलब बैठ के लिखते हो कि जो सोच में आया तो वो सीधा मतलब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे? भाई कंटेंट लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं उसमें। जैसे अपन बैठे बैठे एक कंटेंट निकल गया, वो कंटेंट हम हाथों हाथ लिख लेते हैं। अब वो जब बनाने की बारी आती है तो उसे 24 आवर्स पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम कल क्या बनाएंगे। तो उसके बीच में डिस्कशन हो जाता है कि इसको ऐसे इम्प्रोवाइज करना चाहिए, इसको ऐसे बनाना चाहिए, तो चेंजेस आ जाते हैं, तो अच्छा रहता है। एंड भाई ऑल्सो आपको मुंबई में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मुंबई में उतरे थे, उतरते ही हम लोग ने भीड़ लगा दी, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम आए सिर्फ 5 दिन के लिए थे, हमें 15 दिन हो चुके हैं। 5 दिन घर वालों के फोन आ रहे हो आना है नहीं आना, नहीं आना, मुंबई में रहना। मुंबई में गाइस विल बी लिविंग डे आफ्टर टुमारो। अच्छा कल चले जाऊंगा, मेरा नसीब कि मैं आज आप लोग से मिला। अरे ब्रो इट्स आवर प्लेजर। एंड तो हम लोग जितना अपने फॉलोअर्स के साथ, अपनी फैम के साथ कांटेक्ट करते हैं, हम लोग बहुत अच्छा लगता है। एंड भाई हमें अच्छा लगता है। एंड भाई आपकी टिकटॉक जर्नी के बारे में कुछ बताओ, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? कभी आप लोग ने सोचा था कि इतने ऊपर आ जाऊंगा मैं? भाई स्टार्ट तो हमने जीरो से ही किया था। हर इंसान स्टार्ट जीरो से करता है, और कभी कोई नहीं सोचता कि वो कहाँ पहुंचेगा। इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी, तुम्हारा हाथ तुम्हें कहाँ ले जाता है, और ये हाथ की लकीरें तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करती है। बहुत अच्छे यार, एक नंबर बोलते हैं यार तुम। एंड भाई मतलब इन फ्यूचर आपके क्या क्या प्लान है? गाने भी आने वाले कि नहीं? सब सरप्राइज प्लान नहीं है, सरप्राइज है। और सबसे बड़ी बात, आज ही गाने की लॉन्च पार्टी में जा रहे हैं हम लोग साहिल भाई की। अच्छा, तो साहिल भाई का गाना आ रहा है अदनान भाई के साथ। अदनान भाई के साथ आ रहा है? बाप रे, बदनाम गाना आ चुका है, ट्रेलर हो चुका है। गो गाइस वाज दैट सॉन्ग टू? ओके ओके। एंड ड्रीम्स ऑफ माइन। यस। एंड भाई इन फ्यूचर क्या क्या प्लान है आपके? अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अभी तो पढ़ना है, लिखना है, टिकटॉकर बनना है। टिकटॉकर तो हम लोग है, पढ़ना लिखना, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है हर चीज के साथ साथ। एंड साहिल भाई आप लोग की मतलब आप सभी की कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, मैं तो गाइस सिंगल हूँ, और कोई हो तो बताना मुझे। बताऊँ क्या सही में? नहीं नहीं, मैं भी ये 10-12 बार ये भी मिंगल है, मिंगल मिंगल पे सिंगल कर रहे हैं लोग तो। एंड भाई आप लोग की दोस्ती के बारे में बताओ। बहुत लड़ते हैं, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। ओ तो दोस्ती के ऊपर कोई गाना भी नहीं आएगा कि नहीं? अगर व्लॉग में हम रिवील कर देंगे ना भाई, तो सरप्राइजेस कोई नहीं देखेगा। मैं गाइस एक बात बताता हूँ, हम लोग 5 दिन के लाए थे, 15 दिन रुके हैं, तो कुछ तो फिर। एंड भाई मीटअप कब तक रखोगे? मीटअप रखना था कल, वैसे ही मलाड गए हम और रिवा के साथ गए थे हम, और इतना ज्यादा भीड़ लग गया वहाँ, भाग भूक के आ गए वापसी। मीटअप हम नेक्स्ट टाइम विल, हम लोग यहीं से मीटअप करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम मुंबई आओगे तो आप लोग मीटअप रखोगे? जरूर जरूर जरूर। एंड लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन चैनल के लिए क्या बोलोगे? गो गाइस लाइक सब्सक्राइब फॉलो हिम टू। थैंक यू भाई, जिस तरीके से आप हमें प्यार कर रहे हैं इसको भी करो भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना जरूर से, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं इस वीडियो को एंड करते, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड नेक्स्ट वीडियो किसके साथ बनाया जाए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। तो चलो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।